Hey there. Subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक रिले मॉड्यूल से भी सस्ता और अच्छा एक बहुत ही कमाल का स्विचिंग सर्किट जो कि 220 वोल्टेज एसी को फुली सेफली स्विचिंग करा सकता है और हाई फ्रिक्वेंसी में भी ये स्विचिंग कराने में कामयाब है। तो यहाँ पे इस सर्किट को मैं बनाने के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ BT136 और एक LDR का, ये LDR है, लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस होती है जो ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसका कलर कोड है जो नोट कर सकते हो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक इसका। और इसके बाद मैं एक और रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहा हूँ, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, आप भी इसका कलर कोड नोट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक 5mm रेड कलर की LED ले रहा हूँ अपने LDR को ड्राइव कराने के लिए, और एक स्क्रू कनेक्शन के लिए, स्क्रू टाइप जैक है ये और एक छोटा सा ये जैक, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ऑक्टोकॉपलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्टोकॉपलर भी काफ़ी महंगा आएगा, तो बजट को ध्यान में रखते हुए हम ऑक्टोकॉपलर भी घर पे ही बना देंगे। तो आप कॉर्नर पर देख सकते हो, ये ऑक्टोकॉपलर का इंटीरियर डायग्राम है। ऑक्टोकॉपलर अंदर से कुछ इस तरीके से होता है, तो सेम मैं यहाँ पे LDR और LED को जोड़ के इस तरीके से बना दूंगा। तो यहाँ पे जो अपनी LED है ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है और हमको एक कॉम्पैक्ट साइज़ ऑक्टोकॉपलर बनाना है, तो मैं LED को यहाँ पे फाइल से घिस दूंगा। लेकिन इस तरीके से घिसने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है। तो मैं यहाँ पे जो एंगल ग्राइंडर मशीन होती है अपनी बड़ी वाली, मेरे पास वो है, मैं उससे घिस दूंगा। अगर आपके पास ये ना है तो आपको फिर फाइल से ही घिसना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसे आपको जला के दिखा दूं, आपको ये प्रूफ हो जाए कि कहीं LED ख़राब ना हो। आपको भी इसी तरीके से पहले अपनी LED को जला के देख लेना है। अब फ्रेंड्स, हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरीके से, और इसे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे M-Seal का यूज़ करूँगा। ओके, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़नी है, तो M-Seal बेस्ट है। और ये M-Seal सुपर, तो ये सब कुछ जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं M-Seal को ले लूँगा और इसको मिक्स कर लूँगा और अपने ऑक्टोकॉपलर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी सन की या कोई बल्ब की लाइट नहीं जानी चाहिए, एक भी फोटोन नहीं जाना चाहिए लाइट का। ओके, बिल्कुल भी लाइट चली गई तो ये वर्क नहीं करेगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आपको इसे अच्छी तरीके से पैक कर देना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पैक कर दिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगी, अब एक्सटर्नल कोई भी लाइट, सनलाइट हो या बल्ब की लाइट हो या फ्लैश लाइट हो। ओके, तो फ्रेंड्स, अब अपने जो है PCB पे मैं कंपोनेंट को इंस्टॉल करता हूँ एक एक करके। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपने सारे जो कंपोनेंट हैं वो PCB पे माउंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं सोल्डिंग करूँगा, लेकिन सोल्डिंग करने से पहले यहाँ पे मैं सोल्डिंग फ्लक्स लगा लूँगा जिससे कि अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाए और काफ़ी सफाई से अपना काम हो, कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब सोल्डिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से समझना और मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी दे दूँगा। तो सोल्डिंग बिल्कुल प्रॉपरली करनी है और ध्यान रहे सोल्डिंग एक दूसरे से टच ना हो। अगर आपको सोल्डिंग नहीं आती तो आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से करा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से इसे करा सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, सोल्डिंग हो चुकी है कंप्लीट और जो यहाँ पे बीच का कॉपर है वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस उससे बढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जो सेफ्टी होती है वो प्राइमरी होती है। और फ्रेंड्स, जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है वो भी मैंने तोड़ दिया है जिससे कि ये अच्छा दिखे, छोटा हो जाए। और तो यहाँ पे काफ़ी छोटी साइज़ का ये बन के कम्प्लीट है अपना मॉड्यूल। और अब मैं यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के लिए एक बल्ब और होल्डर ले रहा हूँ और कुछ इस तरीके से एक वायर को कट करके अपने दोनों पोर्ट में, यानी अपना जो ट्रैक का आउटपुट में, यानी M-Terminal 1 और M-Terminal 2 पे जो मैंने जैक लगाया है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसकी टेस्टिंग के लिए आपको RF मॉड्यूल से इसको ड्राइव दूंगा, आप इसे Arduino के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी खास बात ये है,
कि इसे चलाने के लिए हमें कोई भी 12 वोल्टेज या 5 वोल्टेज नहीं चाहिए, ओनली ड्राइव। या आप इसे 3 वोल्टेज की ड्राइव दे दो, या 12 वोल्टेज की दे दो, या 5 वोल्टेज की दे दो, ओके, ये सब पे वर्क करेगा। ये इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, ओके फ्रेंड्स। और ये इसका सर्किट डायग्राम है, आप इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हो, काफ़ी छोटा सा सर्किट डायग्राम है। अब फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली सारे कनेक्शन कर दिए हैं इसके, और जो है अपनी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो है देखिए, यहाँ पे मैं ये वायरलेस मेरे पास एक मॉड्यूल है, आर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी स्विच यहाँ पे दबा रहा हूँ और बल्ब अपना दूर कहीं ऑन हो रहा है, ओके। देखिए ये दोनों आपस में वैसे फिजिकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते, ओनली वायरलेस इनके पास कम्युनिकेशन है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्विचिंग करा रहा हूँ इसको, और काफ़ी इजीली ये वर्क कर रहा है, ओके। और ये फुली सेफ है, इसके अंदर देखिए कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉट नहीं लग रहा मेरे को। फिर भी आपको सावधानी बरतनी है, और मैं आपको मॉड्यूल को भी टच करके दिखा दूँ, ओके। तो मॉड्यूल का जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसके अंदर 220 वोल्टेज एसी का करंट है, आपको शॉक लग सकता है। लेकिन ये नीचे वाला ये अलग सर्किट है, तो इसमें कोई भी मेरे को शॉर्ट नहीं लग रहा। मैं इजीली देखिए इसको टच कर पा रहा हूँ ऑन लाइट होने पर भी, तो मेरे को यहाँ पे कोई शॉर्ट लगने का चांस नहीं है। तो ये काफ़ी सेफ भी है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।